देश भर में लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए शहर में नौकरी करने वाले लोगों का अपने गृह राज्यों में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने इन पैदल यात्रा कर रहे लोगों के लिए रोडवेज बस सेवा शुरू कर दी, इससे कि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी बीच परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि लॉकडाउन की स्थिति के कारण पैदल ही दूसरे जिलों में जा रहे लोगों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए बसें अब उपलब्ध करा दी जाएंगी। मंत्री खाचरियावास ने प्रदेश भर के डिपो को हर समय 20 बसें सैनिटाइज करके तैयार रखने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि डिपो पर तैयार ये बसेस जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर रवाना की जाएंगी। चल रहे हैं सड़कों पर बच्चों के साथ, अपने बहन के साथ, अपनी पत्नी के साथ, माँ के साथ, मजदूर है, मीडियम क्लास है, बसें बंद हो गई। लेकिन जो राजस्थान स्टेट में एंटर कर गया है तो हमें बॉर्डर तक पहुंचाना उसको, और बॉर्डर के अंदर मेन रोड्स पर जैसे जयपुर से सिक्कर निकल गए, जयपुर से जोधपुर निकल गए, तो जोधपुर वाला उसको बाड़मेर तक बॉर्डर तक ले जाए तो रस्ते में उतरता जाएगा, अपने गांव में घुसता जाएगा, तो सड़क से भीड़ हट जाएगी। तो इनको बैठा के बसों में अलग अलग, कोई दिल्ली जा रहा है या दिल्ली से आ रहा है तो हमारी बसें घूमे और उनको वहां तक उतार दे। ये काम हमारी रोडवेज की बसें कर लें, ये जरूरी है और मैं ये मानता हूं ये काम हो जाएगा। तो ये बच्चे परेशान है दर्द से, पैदल चल चल के लोगों के पांव दुख गए। लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है रस्ते में इनको खाना खिलाए, जो मदद हो सकती है मदद करे। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी रतनपुर बॉर्डर पर जो लोग थे उनके लिए उन्होंने कहा रोडवेज की बसें लगा के इनको यहाँ स्क्रीनिंग करके आगे करो। अब जो अंदर एंटर कर गया राजस्थान में उसको तो हम रोक नहीं पाएंगे, तो अब उनको जो एंटर कर चुका है उसको एक बार जैसे जयपुर से सिक्कर तक बस चले तो रस्ते में उतरते जाएंगे। तो एक साथ 10-10, 20-20 बसें लगाएं जो लोग जल्दी पहुंच जाए।